इतना सब कुछ हो गया लेकिन आंटी की अकल ठिकाने नहीं है। अभी भी वो नूरी को कोसते हैं कि अगर वो आजर को सब कुछ ना बताती तो नाजी का घर खराब नहीं होता। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो निशो। होते हैं कुछ लोग दुनिया में जिन्हें दुनिया भर की ठोकरें खा के भी अकल नहीं आती। तुम भी तो फौरन मेहरबान हो जाते हो, कुछ दिन बेरुखी बरतते ना तुमको अंदाजा होता है कि उनकी हरकतों की वजह से उनकी औलाद कितनी दूर हो गई। निशो मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी माँ है। कुछ भी हो जाए किसी भी तौर तरीके से उनके हकूक माफ नहीं हो सकते। मैं उन्हें सजा नहीं दे सकता, मेरा कोई हक नहीं। आमिर मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें सजा दो। अरे मैं जानता हूँ तुम बहुत ख्याल रखती हो उनका, मेरी बहनों से मोहब्बत करती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे माथे पे एक शिकंज नहीं आई। दिन रात उनकी खिदमत करती हूँ। मैं तो शुक्र गुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे तुम्हारी जैसी बीवी दी, इतना प्यार करने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली। पता नहीं क्या हो गया भाईजान को, किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। जब भाभी को छोड़ना था तो लामा भर नहीं लगाया था उनको निकालने में, जब अपनाना चाहते हैं तो भी जल्दबाजी कर रहे हैं। इस तरह तो हानिया और भी नाराज हो जाएगी। जाहिर है यार उनकी पोजीशन ऑकवर्ड होगी सबके सामने। शहीर तुम आजर भाई को समझाओ कि वो हानिया को कुछ वक्त दें। इस तरह वो उसके सामने आते रहेंगे तो गुस्से में आके कोई वो गलत फैसला कर लेगी। सही कह रही हो, बात करनी पड़ेगी उनसे। अच्छा प्लीज वो बाबा जान को ना पता चले भाई जान की हरकतों का। शहीर बेटा ये आजर कहाँ रह गया, दो ढाई घंटे का कह के गया है और अब गायब है, ना फोन पिक कर रहा है। बाबा जान किसी काम में फंस गए होंगे। ओ भाई आदमी फोन तो करके बता सकता है कि मैं कहीं मसरूफ हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। आप सुबह हमारे साथ ही चल लीजिएगा। आप तो यही करना पड़ेगा। अरे भाईजान आ गया। आ गया जी, मैं दरवाजा खोल। हाँ चलिए बाबू। शुक्र है। आओ